मान तू लाला तू कहना मेरा मान से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ। ये मार्ग से कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। मुझ पर दया करो भाई। बस
तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी छट्टा करने को हमें मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बधाली छलक रही है, और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। सुदामा, क्या कहा? सुदामा,
मेरा बाल से क्या सुदामा, मेरी बचपन का ये सुदामा, सुदामा मेरा ये सुदामा, सुदामा नाथ नाथ पत्र संभाले चरण पादुका तो पहन ले, स्वामी 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 स्वागत की तैयारी करो, घबराओ मत सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज, ये पाप मुझसे ना होगा। ये द्वारकाधीश मैं नितन बदनसीब पक्का मरा हूं तुझ ब्राह्मण, आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो, मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज का समा तेरे गली का गया है, खुशी का समा तेरे गली का गया है। ना घबराओ प्यारे सदा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे सदा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे सुदामा, न घबराओ प्यारे सदा के सुदामा,
काय मिस्टर येऊ नाही.